Amazon प्राइम इंडिया पर वेब सीरीज तांडव में सनातन हिंदू धर्म के पूजनीय देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र आशोभनीय अपमानित कर मजाक उड़ाए जाने के विरोध में सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था द्वारा कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि विदित है कि भारत या विश्व में कहीं भी किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के साथ या किसी भी धर्म की आस्था को चोट पहुंचती है तो हमारा संगठन उस चोट पहुंचाने वाले व्यक्तियों का पुरजोर विरोध करता है, चाहे चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म या समाज का क्यों ना हो। ऐसी ही एक घटना की ओर संगठन ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बता रहा है कि 15 जनवरी 2021 को रिलीज हुई अमेजोन प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज पर प्रसारित तांडव फिल्म में जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है उसको संगठन कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि वेब सीरीज तांडव को बनाने वाली पूरी यूनिट व एक्टर सैफ अली खान के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में वे धार्मिक उन्माद व सनातन धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं कर सके। ज्ञापन देने वालों में ठाकुर मनोज कुमार ठाकुर, दिनेश कुमार सिंह, विकास दिवाकर, गुलजार अहमद, जफर इकबाल, मोहम्मद अरशद, अरविंद कुमार, समीर सिंह, गौरव सिंह, अरुण सिंह आदि लोग मौजूद थे। मेरा नाम ठाकुर मनोज कुमार सिंह है। मनोज कुमार जी, किस संबंध में आना हुआ है आज हम लोग एकत्रित हुए हैं सर्वधर्म संयुक्त मंच से? तो हमारा जो आने का उद्देश्य है डीएम साहब के पास, फिल्म जो तांडव वेब सीरीज पे जो रिलीज हुई है 15 जनवरी को, हम उसके विरोध के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम विरोध करते हैं। उसके अंदर कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं भगवान शंकर का वेश धारण कर एक जो कलाकार है उसके अंदर वो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, इस कारणवश हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांग करते हैं इसको लेकर? हम मांग करते हैं डीएम साहब के माध्यम से, राष्ट्रपति जी से, कि बॉलीवुड को चिताया जाए, पूरी तरीके से इन पर ऐसी फिल्मों को आगे ना प्रसारित किया जाए, पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, ऐसी फिल्मों को आगे बढ़ने ना दिया जाए, यही हम मांग करते हैं।